तो क्या 27% रिजर्वेशन, 60% 55% आबादी है ओबीसी की, अकेले सरकार बनाने की ताकत है, आपको वोट भी करती है, आपके हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ाती है ओबीसी, लेकिन उसका 27% कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है सर? ये मध्य प्रदेश में जो भी आरक्षण का मुद्दा है, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूँ, तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री के हाथ में है, उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% दे दिया, 27% देने में क्या दिक्कत है? ये हर राज्य को पूरा आज प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में 127 एक्ट अमेंड करके पूरा स्वेच दिया, जिस जाति को समाज को ओबीसी में अंदर जुड़ना चाहते जोड़ सकते, ये केंद्र सूची में जरूरी नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में भी नहीं है, अपना अपना प्रदेश में अपना अपना समाज को अगर ओबीसी दर्जा देना चाहते तो देने का प्रावधान मोदी जी सरकार ने दिया। बीजेपी के मैं इस समय दिल्ली प्रदेश दफ्तर में हूँ, जहाँ ओबीसी की एक बड़ी बैठक हुई है और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं लक्ष्मण जी, वो मेरे साथ हैं। सर, क्या रणनीति है आप लोगों की ओबीसी को जोड़ने के लिए? दिल्ली प्रदेश के अंदर जो अरविंद केजरीवाल सरकार जो है, ये पूरे पिछला वर्ष समाज के विरोधी सरकार चल रही है, एक आम आदमी अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए भी इतनी मुसीबत उठाना पड़ा, और 1993 का जो आज ईयर जो पाबंदी किया गया, बहुत सारे पिछड़े वर्ग समाज के लिए आज वो नुकसान हो रहा है, और आरक्षण के मुद्दे में ये हमेशा ये खिलाफ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के ओर से दिल्ली प्रदेश के अंदर मोदी जी सरकार 8 साल के अंदर जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से और मंत्रिमंडल में 27 लोगों को शामिल करना केंद्र मंत्रिमंडल में, और नीट के माध्यम से जो मेडिकल सीट्स में भी आरक्षण दिया गया, और केंद्रीय विद्यालय और अन्य केंद्रीय विद्या संस्था में 4 लाख आज छात्रों को इस वर्ष में आज आरक्षण दिया गया, ये सब मुद्दे को लेकर हम घर घर पहुंचना चाहते हैं और हर आदमी को जन को जागरूक करना चाहते हैं, और अरविंद केजरीवाल जो बातें बोले चुनाव के समय में उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी हम चलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे कुछ सवाल हैं। झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वहाँ के भी हमारे पार्टी उसके ऊपर अध्ययन करके वहाँ के सरकारों पे वहाँ पे पूरा सेंसस जो लेना चाहिए, जहाँ एम्पिरिकल डेटा लेकर आज उच्च न्यायालय में भी 50% के बाद आज आरक्षण लागू हो सकता, मगर आपके पास जब सेंसस का डेटा है, आज राजस्थान का भी मांग है, ज़रूर हमारा भारतीय जनता पार्टी भी उसके बारे में सोच रहे, बाकी अन्य प्रदेशों में छत्तीसगढ़ में जब मैं गया बैठक हुई, जब भी बाद बीजेपी का सरकार आएगा तब हम लागू करने का हम प्रस्ताव भी पारित किए। लेकिन कमलनाथ ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हमने ओबीसी को, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ओबीसी को लेकर आंदोलन चल रहा है, कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि हमने 27% दे दिया था, शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी कोटा से मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने लटका दिया। कमलनाथ को पिछड़ा वर्ग समाज के बारे में बात करने का नैतिक हक ही नहीं, हमेशा कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दे को किस तरह टाला, किस तरह विरोध किया, राजीव गांधी एक विरोधी दल नेता के नाते मंडल कमीशन सिफारिश को भी वो खिलाफ किया गया था, क्यों काका कलेक्टर कमीशन को सिफारिश को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों लागू नहीं किया, क्यों सिफारिश नहीं किया, कोई हक नहीं है कांग्रेस पार्टी को, ज़रूर आज एक प्रधानमंत्री आज देश भर में 75 साल के अंदर अति पिछड़ा वर्ग समाज से प्रधानमंत्री बना, अनुसूचित जाति को राष्ट्रपति बनाए, ऐसे कई मुख्यमंत्री को हम बनाए और 27 मंत्रिमंडल में केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल किया, और ज़रूर आने वाले दिनों में पिछड़ा वर्ग समाज के हित के लिए काम करने वाली सरकार एक मोदी जी सरकार है। ये आपकी सही बात है सर, कांग्रेस ने 60 साल तक लगभग 65 साल तक इग्नोर किया, ओबीसी कमीशन हो, ओबीसी रिजर्वेशन हो, पार्लियामेंट में स्पीच है राजीव गांधी का ओबीसी मंडल आयोग के खिलाफ, लेकिन आज सर कुछ आपकी सरकार सत्ता में, आप लोग प्रधानमंत्री ओबीसी क्लेम कर रहे हैं, तो क्या 27% रिजर्वेशन, 60% 55% आबादी है ओबीसी की, अकेले सरकार बनाने की ताकत है, आपको वोट भी करती है, आपके हिंदुत्व के एजेंडे को भी आगे बढ़ाती है ओबीसी, लेकिन उसका 27% कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है सर? ये मध्य प्रदेश में जो भी आरक्षण का मुद्दा है, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूँ, तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री के हाथ में है, उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% दे दिया, 27% देने में क्या दिक्कत है? ये हर राज्य को पूरा आज प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में 127 एक्ट अमेंड करके पूरा स्वेच दिया,
जिस जाति को समाज को ओबीसी में अंदर जुड़ना चाहते जोड़ सकते, ये केंद्र सूची में ज़रूरी नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में भी नहीं है। अपना अपना प्रदेश में अपना अपना समाज को अगर ओबीसी दर्जा देना चाहते तो देने का प्रावधान मोदी जी सरकार ने दिया। तो ये के लक्ष्मण है, और भी लोगों से बात करेंगे, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ओबीसी के बड़ी संख्या में लोग जो है वो जमा है। मैं इस समय बीजेपी दफ्तर में, सोनी साहब एक बताइए, ये आप लोग ओबीसी की बड़ी बैठक कर रहे हैं, क्या रणनीति है आप लोग की? ओबीसी की बैठक करने की रणनीति इतनी ही है कि जो ओबीसी के लिए माननीय मोदी जी ने किया है अब तक, साथ क्या किया है बताइए। बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, आरक्षण के लिए आयोग जो पहले था, जो दंतहीन आयोग था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सैनिक स्कूल में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, सेंट्रल स्कूल में आरक्षण के बच्चों की व्यवस्था की गई है। जो बहुत सारी नौकरियां थी जो अब तक बैकलॉग के नाम पर पीछे रखी गई थी, उस बैकलॉग को भरा गया है। और जो चाहे सेंट्रल स्कूल की बात हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे अलग अलग स्कूलों की बात हो, चाहे सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी बात हो, वो सब काम किया। तो वो हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। सर, कांग्रेस से ओबीसी अलग हुई, कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है, आप लोगों के साथ जुड़ रही है, ओबीसी जुड़ी है, आपका हिंदुत्व का एजेंडा भी आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसके जो कोटा है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, आपको लग रहा है कि वो मिल रहा है? क्योंकि आरोप है लोगों का, खासकर ओबीसी कम्युनिटी का, कि जब तमाम सरकारी संस्थाएं ही नहीं बचेंगी तो रिजर्वेशन कहाँ इंप्लीमेंट होगा? सर देखिए, ऐसा नहीं है। पहली बात तो जो ये संस्थाओं की बात जो लोग कर रहे हैं, वो लोग पहले अपने गिरिवान में झांक कर देखें कि ये जो चीज़ें बेचने की शुरुआत की थी वो उन्होंने की थी, और वो चीज़ें बेची थी, वो संस्थान बेचे थे जो प्रॉफिट में थे। अब जो हो रहा है वो केवल और केवल डेवलपमेंट के उद्देश्य से किया जा रहा है, और इसमें ओबीसी के अधिकारों को काटने या पीछे करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और हर जगह ओबीसी को आगे करके किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा ओबीसी वर्ग पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। सर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, एक में आपकी भी सरकार है मध्य प्रदेश में, बाकी तीन राज्यों में भी ओबीसी को 27% नहीं मिल रहा है। वही तो संघर्ष की बात है। देखिए क्या है, पिछले 70-75 सालों के अंदर ओबीसी के नाम पर वोट ले गया, गरीब के नाम पर वोट लिया गया, गरीबी हटाओ के नाम पर वोट लिया गया, ना तो गरीबी हटाई गई, गरीबों को हटाने का प्रयास हुआ, ना ओबीसी के लिए कुछ किया गया। तो जितनी सरकार कांग्रेस की रही है, जिसने अब तक राज किया है, उसका केवल और केवल एक उद्देश्य था कि उद्योगपतियों को मजबूत करो और व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को मजबूत करो। हमारी सरकार कह रही है कि अपने उद्योगपतियों के साथ साथ अपने आम लोगों को भी मजबूत करो, जो बिल्कुल पंक्ति के अंतिम उसमें बैठा है व्यक्ति, उसको हम ताकत देना चाहते हैं, उसको भारत की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ईमानदारी से बताइए, ओबीसी के लिए कितना जगह है बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में? ओबीसी के लिए कितना जगह है, इस बात को सिर्फ आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री ओबीसी से आता है, पूरी सरकार ओबीसी की है, अब जगह की बात ही खत्म हो जाती है। तो देखिए, पर बीजेपी ने ऐसे तेज तरार ओबीसी नेताओं को पार्टी से जोड़ा है, और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि काफ़ी संख्या में ओबीसी के लोग जो हैं वो बीजेपी दफ्तर में आए थे, और ये देखिए प्रोफेसर साहब भी आ गए हैं। ये बीजेपी ओबीसी को जोड़ रही है, क्या क्या रणनीति है आप लोगों की? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी पहला देश का ओबीसी प्रधानमंत्री बीजेपी ने दिया है, और मोदी सरकार ने ओबीसी की जितनी मांगे थी सभी मांगों को पूरा कर दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर में आरक्षण देना, नवोदय में, केंद्रीय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में आरक्षण देना, तो एक तरह की जितनी मांगे हैं वो पूरी हो गई। बैकलॉग कहाँ भर रहा है सर? बैकलॉग वो भी आया है, सरकार ने जारी किया है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने भी जारी किया है, तो जल्द बैकलॉग भी पूरा होगा। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि जब संस्थाएं ही नहीं बचेंगी, भर्तियां ही नहीं हो रही, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बचेंगे, तो कहां से आरक्षण इंप्लीमेंट? देखिए, कांग्रेस सरकार में जिस तरह की संस्थाएं विकसित हुई थी वे संस्थाएं खतरे में हैं, बाकी संवैधानिक संस्था सब मजबूत हुई हैं मोदी सरकार में, तो मोदी सरकार ओबीसी के लिए कम से कम बढ़िया काम कर रही है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और मैं आपको वही दिखा रहा था तस्वीरें, देखिए काफ़ी संख्या में ओबीसी के लोग आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ओबीसी की बड़ी बैठक थी, और इसलिए मेरी कोशिश थी कि आपको बताया जाए कि देखिए जब ओबीसी दल वाले लोग जो हैं वो सवर्ण समाज के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी का एकदम क्रिस्टल क्लियर है, पूरा मानना है कि वो ओबीसी को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक और ओबीसी के नेता है, क्या रणनीति है आप लोगों, क्यों लग रहा है कि ओबीसी को जोड़ा जाए? सर, ये आप लोग जाति वाली राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी तो जात पात की राजनीति नहीं कर रही। ओबीसी वर्ग, जातिवादी का ओबीसी वर्ग इतना बड़ा वर्ग है तो सरकार में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। सरकार भी जोड़ना चाह रही है और ओबीसी वर्ग जुड़ना भी चाह रहा है, और 27 मंत्री बना दिए। किस सरकार में 27 मंत्री ओबीसी रहे हैं? आप सब लोग ओबीसी कम्युनिटी से हैं, कहाँ से हैं? हम बेंगलोर से हैं।
तो दक्षिण भारत में तो पूरा पेरियार का आंदोलन है, वहाँ तो डीएम के ओबीसी को लीड कर रही है, आप लोग के लिए कहाँ बीजेपी के लिए जगह? वो तमिलनाडु में है, हम कर्नाटका है। कर्नाटका में ओबीसी डोमिनेटिंग सोसाइटी है? ओबीसी डोमिनेटिंग सोसाइटी ही है, लेकिन ज़्यादा करने के लिए। अच्छा, ज़्यादा करना है। देखिए दक्षिण भारत के कितनी जागरूकता आई है ओबीसी के लोगों में? ज़्यादा पॉपुलेशन इज मोर। तो देखिए के लक्ष्मण साहब हैं और ये तेलंगाना से आते हैं और दक्षिण भारत में ओबीसी को लेकर बहुत जागरूकता आई है। बीजेपी के दफ्तर में आज उसी को लेकर बैठक थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ओबीसी के नाम पर जिन लोगों ने लीडरशिप की है, ओबीसी दल के जो नेता हैं, चाहे वो सपा हो, खासकर मैं अगर हिंदी पट्टी की बात करूँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, ये सब ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियाँ थी। फिलहाल उसके नेता सवर्ण समाज को साधने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो ओबीसी पर अपनी रणनीति बना रही है। क्या आप मेरे सवालों से सहमत थे? कहीं आपको चापलूसी तो नहीं लगी? बीजेपी के दफ्तर में आकर भी आपको सवाल पूछना पड़ेगा। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।